तो सिंपली यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग द पोएम, कल हम लोग पोएम डिस्कस कर रहे थे एनिमल्स, वी हैव डिस्कस द पोएम, उस पोएम को हमने डिस्कस कर लिया है। टुडे वी हैव टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर एंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर इज ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया। सो एट फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाई द नेम ऑफ दिस चैप्टर हैज बीन गिवन ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया, कि इस चैप्टर का नाम ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया क्यों दिया गया। सो इफ इट हैज बीन आस्क्ड टू यू, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्लिम्स, ग्लिम्स का क्या मतलब होता है, हाँ तो क्या झलक, तो ग्लिम्सेज और ग्लिम्स नहीं है, ग्लिम्सेज, और किसकी झलक दिखाई दे रही है यहाँ पे, ऑफ इंडिया। सो सिंपली अब इंडिया की झलक, अब इंडिया को अगर आपको डिफाइन करना हो, हाउ यू विल डिफाइन इंडिया, इंडिया को एक वर्ड में डिफाइन किया जा सकता है क्या, क्योंकि इंडिया इज सो डिफरेंट, यहाँ क्या कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दिस इज द वन वर्ड दैट यूज टू डिफाइन इंडिया, कि यहाँ क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि विविधता में भी एकता है। इफ वी टॉक अबाउट वी आर डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ आर लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ आर ड्रेसिंग सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशन, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इवन इन द बेसिस ऑफ फूडिंग स्टाइल, यही तो है कि हम लोग कुछ और पसंद करते हैं, साउथ इंडियन कुछ और पसंद करते हैं, महाराष्ट्रियन कुछ और पसंद करते हैं, है ना, हमारे कपड़े पहनने का तरीका अलग है, साउथ इंडियन के पहनने का तरीका अलग है, हमारे यहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग है, उनके यहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग है। तो अगर आपको इंडिया को डिस्क्राइब करना है तो किसी एक जगह के बारे में डिस्क्राइब करके क्या आप इंडिया को डिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब द इंडिया, सो यू हैव टू डिस्क्राइब द डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो अलग अलग शेड है, हर एक रीजन में शेड बदल जाता है। तो इसीलिए क्या, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हाउ मेनी स्टोरीज आर देयर इन दिस चैप्टर, थ्री स्टोरीज है। सो विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री स्टोरीज द ऑथर वॉन्टेड टू ट्राई टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट द इंडिया, उन तीन स्टोरीज के हेल्प से ऑथर कोशिश कर रहा है कि वो हमें किसके बारे में बताए, हमें इंडिया के बारे में बताए, है ना। तो सबसे पहले जैसे फर्स्ट पार्ट है, सो द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टोरी इज अ बेकर फ्रॉम गोवा। सो सिंपली हियर, हाँ अब गोवा की बात करें तो गोवा क्या शुरू से इंडिया का पार्ट था, कब बना गोवा इंडिया का पार्ट, जब इंडिया बिकेम, हिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, पुर्तगालीज वर रूलिंग ओवर गोवा, पुर्तगीज जिनको बोलते हैं, या 1967 में आके इधर आके वो बना, तो जो पुर्तगालीज थे इनको पुर्तगीज बोलते हैं, दे और रूलिंग ओवर इंडिया, वो लोग इंडिया सॉरी गोवा के ऊपर रूल कर रहे थे, और उसके बाद 1960s में वो लोग यहाँ से गए, देन गोवा हैज बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया। सो इन दिस चैप्टर द पोएट इज टेलिंग अस ऑल अबाउट गोवा, अबाउट इट्स पीपल, अबाउट देयर ड्रेसिंग सेंस, अबाउट देयर प्रोफेशन। तो फर्स्ट पार्ट में किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हम लोग गोवा के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के प्रोफेशन के बारे में, ये सब पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट क्या नाम है, कुर्ग, कुर्ग, और कुर्ग की बात करें सो इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, एंड नेचुरली इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत जगह है नेचुरली। So in second chapter, the author is going to tell us all about Kurg, about its people, about their culture, about their dressing sense. So second में हम सब लोग क्या करेंगे, Kurg के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। And in third, tea from Assam. So simply here we all discuss about Assam. और Assam के बारे में जैसे हम सब जानते हैं that Assam is famous for tea, चाय के लिए famous है, तो वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ पर क्या कल्चर है, तो यहाँ पे थर्ड में हम पूरा पढ़ेंगे आसाम के बारे में। तो ठीक है बेटा, तो तीन जगह के बारे में पढ़ेंगे यहाँ, गोवा, कुर्ग और आसाम। तो सबसे पहले बात करते हैं अ बेकर फ्रॉम गोवा, और बेकर को, बेकर का मतलब क्या होता है बेटा, आप हाँ जो बेक करता है वो बेकर है ना, जो बेक करे, ब्रेड बनाए, केक बनाए, कुछ लोब्स बनाए, कुछ भी बनाए,
है ना, उनको जैसे आप लोग यहाँ जैसे पेटीज लेके आते हैं जहाँ बन रही है उसे क्या बोलते हैं, बेकरी, तो उसे बेकरी है ना, वो है तो बेकरी, और जो बनाते हैं वो क्या है, बेकर है ना। तो ये बेकर फ्रॉम गोवा, यहाँ पे गोवा के बेकर्स की बात हो रही है। एक्चुअली जो पुर्तगीज रूल वर रूलिंग ओवर देयर, जो पुर्तगीज यहाँ पे रूल कर रहे थे ना, दे वर ग्रेटली फॉन्ड ऑफ केक्स, वो केक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, बहुत केक खाते थे, इसीलिए जब केक खाते थे तो बनेगा भी भाई, है ना, तो इसीलिए वहाँ पे नंबर ऑफ बेकर्स वर देयर। बट नाउ द पुर्तगीज हैज गॉन, पुर्तगीज तो चले गए, तो अब वहाँ पे बेकर्स क्या कर रहे हैं कैसे, वो वहाँ पे दिया गया। देखिए, आर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड। आपने जैसे कभी कभी आप अपने दादाजी के साथ बैठते हैं, बूढ़े लोगों के साथ बैठते होंगे, और वो अपने बचपन की बातें, अरे जब हम तुम्हारी एज पे थे ऐसा होता था वैसा, और बहुत खुश होके, क्योंकि जब हम अपने बचपन को याद करते हैं, जैसे आप अभी भी आपका बचपन खत्म नहीं हुआ है, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, लेकिन कभी कभी आप अपनी वो बात करते जाओ, आप 6 साल के थे, 8 साल के थे, तो अच्छा लगता है ना जब पुराने दिनों को याद करते। तो ये कहता है, आई हैव हर्ड माई एल्डर्स रिमिनिसिंग मीन्स मेमोराइजिंग नॉस्टैल्जिकली, नॉस्टैल्जिकल फॉन्ड ऑफ शॉक से, कहता कभी कभी मैं अपने बड़ों को बात करते हुए सुनता हूँ, और बहुत ही फॉन्डली वो किसके बारे में बात करते हैं, दे यूज टू टॉक अबाउट गुड ओल्ड पुर्तगीज डे। कहता जो लोग हैं वो किसके बारे में बात करते हैं, पुर्तगीज डिनों के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट द पुर्तगीज, नॉट ओनली दे टॉक अबाउट द पुर्तगीज डेज बट दे टॉक अबाउट पुर्तगीज ऑल्सो, एंड दे टॉक अबाउट देयर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड, मीन्स पुर्तगीज वर ग्रेटली फॉन्ड ऑफ ब्रेड्स लोप्स। तो किसके किसके बारे में बात करते हैं एल्डर्स, दे टॉक अबाउट पुर्तगीज डेज, दे टॉक अबाउट पुर्तगीज, एंड दे टॉक अबाउट देयर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड। यस, दोज ईटर्स ऑफ लोप्स माइट हैव बैनिस्ड, दोज ईटर्स ऑफ लोप्स, एंड हु इज द ईटर्स ऑफ लोप्स, पुर्तगीज। यस, तो कहते हैं ये जो ब्रेड खाने वाले थे जो पुर्तगीज थे, दे माइट हैव बैनिस्ड, क्योंकि अब यहाँ पर पुर्तगीज तो है नहीं, अब यहाँ किसका शासन है, गोवा में इंडिया का। तो कहता है परहैप्स दीज दीज पुर्तगीज और दीज ईटर्स ऑफ लोप्स हैव बैनिस्ड फ्रॉम हियर, दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम हियर, वो तो यहाँ से चले गए, बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, बट द पर्सन हु यूज टू मेक दीज ब्रेड, हु यूज टू बेक दीज केक्स, दे आर स्टिल देयर, खाने वाले चले गए हैं, बनाने वाले अभी भी हैं। वी स्टिल हैव अमंग अस अस द मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोब्स। तो वी स्टिल हैव अमंग अस अस मीन्स हमारे बीच में अभी भी कौन कौन लोग हैं, क्या क्या मिक्सर्स हैं, मिक्सर्स है मतलब मिक्सर नहीं, मिक्सर क्या करता है भाई, मिक्स करता है। तो भाई जैसे को सा, तो मिक्सर मीन्स वो मशीन जो सारे इंग्रेडिएंट्स को क्या करती है, मिक्स करती है। तो कहते वो मिक्सर्स भी हमारे बीच में। मोल्डर्स, मोल्डर किसको बोलते हैं, शे नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं, हाँ जिसको हम हिंदी में हम जिसको हम सांचा बोलते हैं एक प्रकार से, जैसे घर में गुजिया बनाते हैं ना, तो उसका सांचा होता है, तो उसे मोल्डर कह सकते हैं, है ना। तो वहाँ क्या मिक्सर्स हैं, मोल्डर्स हैं, एंड दोज हु बेक द लोब्स, और वो लोग भी हैं जो क्या करते हैं, लोब्स को बेक करते हैं, उन्हें सेकते हैं, बनाते हैं, तो ये सब अभी भी हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट, नॉट ओनली द मिक्सर्स आर देयर, नॉट ओनली द मोल्डर्स आर देयर, नॉट ओनली द बेकर्स आर देयर, बट द टाइम टेस्टेड ओल्ड फर्नेस, क्योंकि बनेगी किस पे भाई, पकेगी किस पर, फर्नेस पे ही तो पकेगी, भट्टी पर। तो वो जो समय से जो बराबर टेस्ट होती आ रही, इतनी पुरानी जो बहुत अच्छी, वो फर्नेस भी अभी भी हैं वहाँ पर। द फायर इन द फर्नेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड, एंड द फायर ऑफ द फर्नेस हैज नॉट बीन एक्सटिंग्विश्ड,
उन फर्नेस की आग अभी बुझी नहीं है, मतलब अभी भी वो फर्नेस यूज होती है, मीन्स अभी भी क्या बनाया जाता है, स्टिल द केक ब्रेड्स अभी मेड देयर, अभी भी ये सब वहाँ पर बनाए जाते हैं। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बंबू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग एंड द थर्ड एंड जिंगल, यू नो वॉट इज थर्ड, थर्ड का मतलब क्या होता है, थर्ड मीन्स जैसे आप, हाँ जैसे आप बांस ले लें, लाठी ले लें हाथ में, उसको नीचे जमीन धम्म की आवाज होती है, वो थर्ड एंड जिंगल, जिंगल मान लो उस लाठी में आप घुंघरू बांध लो, ठीक है, तो अब जब आप पटकेंगे तो एक तो लाठी की गिरने की धम और दूसरी छन, दोनों आवाज आएंगी, तो ये थर्ड एंड जिंगल साउंड वॉज द हेराल्डिंग ऑफ देयर अराइवल इन द मॉर्निंग, हेराल्डिंग इंडिकेशन में सुबह सुबह जैसे लोगों को धम छन की आवाज़ सुनाई देती है तो एक इसका इंडिकेशन है, कौन आ गया, बेकर आ गए हैं, बेकर्स के आने का अराइवल सिंबल होता है। एंड इट कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेज, और ये थर्ड और जिंगल साउंड है ना, इट स्टिल कैन बी हर्ड इन सम प्लेसेज, ये अभी भी कुछ जगह पे इसे सुना जा सकता है, खत्म नहीं, ये आवाज़ अभी भी सुनाई देती है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, मे बी द फादर इज नॉट अलाइव मीन्स इट माइट बी पॉसिबल दैट दिस प्रोफेशन ऑफ मेकिंग बैंगल्स मेकिंग ब्रेड हैज बीन स्टार्टेड बाई द फादर बट नाउ द फादर हैज बीन डाइड, तो हो सकता है वो पिता जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया था वो ना हो, बट स्टिल दिस बिजनेस इज कैरीज ऑन बाई देयर सन। And these bakers are even today known as pedar in Goa. So these bakers have a different name in Goa, and even today they have been known by that name. And what is that name? Pedar. So in Goa, the bakers has been known by the name of pedar. Pedar के नाम से उन्हें जाना जाता है. During our childhood in Goa, the baker used to be a friend. Companion and guide. So during our childhood in Goa, means when I was young. So at the young age, these bakers used to be a guide, a friend. जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे दोस्ती किन के साथ जल्दी कर लेते हैं, जो उन्हें चॉकलेट खिलाते हैं कुछ खिलाते हैं या जो उन्हें कुछ नहीं खिलाते, जो उन्हें कुछ खिलाते हैं, तो ये बेकर्स इनके लिए क्या लेकर आते थे, ब्रेड लेके आते थे, केक लेके आते थे, है ना, तो वो कहते हैं ये जो बेकर्स थे वो बचपन में ये हमारे लिए क्या क्या थे, ये हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, ये हमारे कंपेनियन साथी हुआ करते थे, एंड दे यूज टू बी आर गाइड ऑल्सो, और हमारे गाइड भी होते थे। ही यूज टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, तो कहते हैं इफ वी टॉक अबाउट बेकर्स इन अ डे दे यूज टू कम एटलीस्ट हाउ मैनी टाइम्स, टू टाइम्स, तो एक दिन में कम से कम दो बार आते थे यहाँ पे। Once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. So these bakers used to come at least twice in a day for the selling round. Means bake cake बेचने के लिए, bread बेचने के लिए दिन में कितने बार आते थे? Two times. First time in the morning. पहली बार सुबह आते थे. When they filled their huge basket, जब अपनी बड़ी सी टोकरी भर लेते थे, and they used to go on their selling round, और तो निकलते थे बेचने को, and second time in the evening, दूसरी बार शाम को या दोपहर, when they used to emptied their huge basket, जब खाली, means एक बार बेचने जब जाते थे तब आते और दूसरी बार बेचकर जब वापस आते थे, एक बार टोकरी भर के जाते थे और दूसरी बार टोकरी खाली करके आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बंबू वोक अस अप फ्रॉम द स्लीप एंड इन द मॉर्निंग एज सून एज वी हर्ड देयर जिंगल साउंड, सुबह क्या होता जैसी उनकी कैसी आवाज़ सुनाई देती थी, थर्ड एंड जिंगल साउंड, जैसी वो छन छन की आवाज़ सुनाई देती, क्योंकि बच्चे क्या होता है वैसे नहीं जागेंगे, लेकिन जब उनका मन होगा उनके मतलब की चीज़ होगी तो जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन और जल्दी जाग के बैठ जाएंगे, कहीं जाना होगा और जल्दी जाग जाएंगे, है ना,
तो यही होता है कि जैसे सुबह क्या होता था, एज सून एज वी हर्ड द थर्ड एंड जिंगल साउंड, जैसी आवाज सुनते थे सब जाग जाते थे। एंड देन अगेन एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और केवल जाग ही नहीं जाते थे, वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, उससे मिलने के लिए, ग्रीट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, गुड मॉर्निंग बोलने के लिए तुरंत दौड़ के जाते थे, है ना, क्योंकि जिससे आपके मतलब का सामान खरीदना है ऐसे को, तो आप घर पे आइए आइए जल्दी आओ, है ना, चेंज करके हम दौड़ कर जाते थे। वाई वॉज इट सो, अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों था, हम क्यों दौड़ कर जाते थे, क्यों जाग जाते थे। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लोफ, क्या लोफ के लिए हम जाते थे, कहता नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, लोफ के लिए तो बिल्कुल नहीं। द लोफ्स वर बॉट बाय सम पास्काइन और मास्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, बोले लोफ्स तो कोई भी खरीद लेता था, पास्काइन मास्टाइन फास्टाइन मास्टाइन, मतलब घर की जो मेड सर्वेंट थी कोई भी खरीद लेता, उसके लिए नहीं जानते थे। फिर किसके लिए जाते थे, वॉट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चोज केयरफुली, एक्चुअली एक मीठी ब्रेड बैंगल्स बना के लाता था, उन ब्रेड बैंगल्स के लिए जाते थे और बहुत ही सावधानी से चुनते थे, क्योंकि बच्चे नहीं होते, अगर उन्हें तोड़ के वही सामान दो हम ये नहीं लेंगे, उन्हें क्या पूरा चाहिए, जब ये खाएंगे तो तोड़ के ही पूरा खा जाएंगे क्या, लेकिन वो क्या करेंगे, नहीं पूरा ही लेंगे। तो ये लोग क्यों जाते थे, अपने हाथ से चुनेंगे, बड़ा कौन सा है वो चुनेंगे, बिल्कुल सही कौन सा है वो चुनेंगे। तो कहता हम लोब्स के लिए नहीं जाते थे, हम तो उन स्पेशल ब्रेड्स के लिए जाते थे जो हम खुद चुनते थे। एंड समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी वो स्वीट ब्रेड जो स्पेशली वो बना के लाते थे, वो स्वीट स्वीट ब्रेड के लिए जो बैंगल्स के शेप का होता था उसके लिए हम लोग जाते थे, ब्रेड के लिए नहीं जाते थे, लोब्स के लिए नहीं जाते थे। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झेंग झेंग साउंड ऑफ इज स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, सो द बेकर्स यूज टू मेक देयर म्यूजिकल इंट्रो विद झेंग झेंग साउंड, क्योंकि थर्ड एंड छन दोनों मिलके क्या झेंग, है ना। तो वो कहते हैं ये जो बेकर्स थे दे यूज टू मेक देयर एंट्री म्यूजिकल, म्यूजिक के साथ एंट्री होती थी, छन छन के साथ इनकी एंट्री होती थी। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हैंड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड, तो कैसे आवाज़ क्यों होती, एक्चुअली दे यूज टू कैप वन बास्केट ऑन द हेड, सर पे बास्केट, एक हाथ से बास्केट पकड़ लिया और जो दूसरा हाथ था दे यूज टू बैंग द बम्बू स्टफ ऑन द, जैसे अब लाठी पकड़ के चलते ना एक हाथ से, वो एक हाथ से उसे पटकते हुए चलते थे जिससे कि आवाज़ होती रहती। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और जब हमारे घर आता तो हमारे घर की जो लेडीज होती थी उन्हें कैसे ग्रीट करता था, ये विश देम गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेस इज बास्केट ऑन वर्टिकल बम्बू, और फिर एक वर्टिकल बम्बू होता था उस पर अपनी टोकरी रख देता था। आपने कभी कभी देखा होगा जैसे हमारे घर शाम को रेवड़ी बेचने वाले आते हैं, है ना, वो गाते हुए रेवड़ी ले बाबू, है ना, वो बड़ा अजीब सा लेके आते हैं सर्किल सा, है ना, जब उसको रख देते उसी में अपना सामान रख के बेचते। तो ऐसे एक स्पेशली वर्टिकल बम्बू होता था, उसको रख देते थे, उस पर अपनी टोकरी रख देते थे, फिर सबको ब्रेड और केक्स देते थे। वी किड्स वुड बी पोस्ट असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जैसे भी द किड्स, जैसे देखा हो ना घर में कभी कभी क्या होता, मम्मी ने किसी हॉकर को बुलाया, है ना, आपको कुछ नहीं खरीदना, जिस चीज़ से कुछ भी मतलब नहीं, फिर भी घुसे ही जा रहे होते हैं उसमें, यही करते ना, फिर चलो भागो यार तुम्हें क्या करना, चलो पढ़ो जाके, तो डांट के आप लोगों को भगा दिया जाता है, लेकिन क्या भाग जाते हैं, वही नज़र रहती है। तो यही होता है, वो कहता जैसे ही आते थे तो हम लोगों को माइल्ड रिव्यू के साथ, हल्के डांट के साथ वहाँ से भगा दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन अब ऐसे एक बार भगाने से हार थोड़ा ना मान लेते थे कि उन्होंने कहा जाओ और अब चले गए, नहीं, हम क्या करते थे, वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट, हम किसी बेंच के ऊपर चढ़ जाते थे, पैरापेट या कोई चबूतरा होता था उस पर चढ़ जाते थे। एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ, कैसे क्या करते थे, अपने पंजों पर खड़े होकर ऐसे झाँक के देखते थे, हाँ क्या रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, तो कहते हम ऐसे हार नहीं मानते, तो उस पर चढ़ के ऊपर झाँक के देखने की कोशिश करते थे।
आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लूप्स, आज भी मुझे उनकी जो टिपिकल फ्रेगरेंस, टिपिकल का मतलब समझते बेटा बिल्कुल अलग, कहता वो जो लिप्स डोब्स आती थी उनकी स्मेल इतनी अलग थी, कहता आज भी मैं उस स्मेल को फील कर सकता हूँ। लोब्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, और क्या खरीदा जाता था, जो लोब्स होते थे, लोब्स हैड बीन परचेज फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए लोब्स खरीदे जाते थे, वाइल फॉर चिल्ड्रन बैंगल्स, बच्चों के लिए बैंगल्स खरीदे जाते थे। एंड देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और जैसे ही बैंगल खरीदे गए सीधा अटैक, फिर उसके बाद ना तो हम ब्रश करते थे और ना मुंह धुलते थे, सीधा लाओ आने दो खाते ऐसे। एंड वाई शुड बी, और ब्रश करने की क्या जरूरत क्या है, क्यों ब्रश करूं भाई, हु वुड मेक हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश, आज जैसा तो नहीं सो के जाके पेस्ट लगाया और करने लगे, पहले पेड़ पर चढ़ो, दातून तोड़ो, फिर ब्रश करो, बोले कौन इतना टाइम लेगा, कौन इतनी परेशानी उठाए जब तक कोई दूसरा ना खा जाए, बच्चों को यही तो लगता, तो बोले कौन इतनी परेशानी उठाए। एंड वाई इट वॉज नेसेसरी, और ज़रूरत क्या है दातून तोड़ के दांत दांत साफ करने की, द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, शेर कहीं मुँह धुलते हैं, फिर ज़रूरत नहीं था, टाइगर कहीं मुँह नहीं धुलते हैं, और क्या ज़रूरत है, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, खाने के साथ गरम गरम चाय पीते थे, चाय ब्रश का काम कर देती थी, अपने आप सब कुछ धुल देती, सब कुछ साफ कर देती थी, इसलिए हम ब्रश नहीं करते, गरम गरम चाय पीते थे, चाय में सब साफ हो जाता। इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा, जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो क्या लिखेंगे, द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, फर्स्ट द गुड ओल्ड पुर्तगीज डेज, सेकेंड पुर्तगीज, एंड थर्ड दे आर फेमस लोप्स ऑफ ब्रेड। कर लेंगे ये क्वेश्चन सब, और नोट्स भी कंप्लीट करिए आप सब लोग धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं चेक करूंगा। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला, बिकॉज स्टिल द थर्ड एंड जिंगल साउंड कैन बी हर्ड, स्टिल द फर्नेसेस दे आर मिक्सर्स विद देयर सब, वही लिखेंगे आप। What is the baker called? Peter. Baker is even called today? Peter in Goa. ये हो जाएगा। When would the baker come every day? Morning. They used to come at least two times every day. Once in the morning and second time? Evening. हाँ, second time in the evening. Why did the children run to meet him? Why did the children? To choose the brand bangles carefully. जो बच्चे थे वो किसको, जो ब्रांड बैंगल्स उनके, उनको केयरफुली चूज करने के लिए दौड़ के जाते थे। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे बेटा, ये चारों क्वेश्चन कर लीजिएगा, कल हम लोग इस चैप्टर कंप्लीट भी कर लेंगे और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे, और आप लोग भी ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा और लिख के ग्रुप में डालो, देखूँ कौन कौन कर रहा है, तो मैं चेक कर दूँगा। ओके बेटा, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो।